हे भाई लोग, आज हम लोग कुछ नया करेंगे, देखेंगे और रिव्यू करेंगे पाकिस्तान मीडिया का आईपीएल 2024 जो हाई स्कोरिंग मैच हुआ है आज, एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस, आज उसके ऊपर रिव्यू देंगे एंड रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान रिव्यू के ऊपर। सो पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे और भी मजेदार कंटेंट लाने के लिए मदद करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अरे भाई देख लिया, हार्दिक पांड्या की कप्तानसी देख लिया आप लोगों ने? वो देखो, वो देखो, वो देखो, इसने आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट टोटल किया है। अरे भाई, इसने एक और छक्का मार दिया ना, मैं गली से कूद जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा आज, मैं सुसाइड कर लूंगा। सबसे बड़ा स्कोर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जड़ दिए गए 277 रन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आरसीबी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। आईपीएल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 263 रनों का था जो आरसीबी की टीम ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था, लेकिन आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की इतनी ज्यादा पिटाई हुई कि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने ये रिकॉर्ड तोड़कर 277 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर सेट कर दिया है। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी का तो करियर स्टार्ट होते ही मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के साथ आज की याद खत्म हो गया है। 277 द हाईएस्ट आईपीएल टोटल एवर, 263 लास्ट हाईएस्ट था जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बनाया था बेंगलुरु के मैदान के ऊपर। पुणे वॉरियर्स जो कि टीम अब एग्जिस्ट भी नहीं करती, 2013 के अंदर 11 साल बाद यह रिकॉर्ड टूट रहा है। उस वाले मैच के अंदर क्रिस गेल ने 175 रन बनाए थे 66 डिलीवरीज में और मेरे ख्याल से कोई तकरीबन बहुत सारे छक्के मारे थे, फाइव नॉट रॉन्ग तो 17 छक्के 13 छक्के मारे थे 265 के स्ट्राइक रेट से। और एक आज का दिन तक 11 साल बाद मुंबई इंडियंस की कप्तानी जब से हार्दिक पांड्या के हाथ में गई है, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। स्क्रिप्टेड कैप्टनसी, डिस्ट्रक्टिव कैप्टनसी, बस एक सोच कर आ गया है, मैं पहले बॉलिंग करूंगा, जसप्रीत बुमराह को लाऊंगा नहीं, रन्स पड़े होंगे तो भी मैं बुमराह को नहीं लेकर आऊंगा। वॉरियर्स के ओनर्स और साफ जाहिर था शक्लों के ऊपर कि आज किसके साथ क्या हो रही है, मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्टिव एंड अ क्लूलेस कैप्टनसी बाय हार्दिक पांड्या। जहां आपको पता है कि आपका स्ट्राइक बॉलर है जसप्रीत बुमराह, आपके खिलाफ स्कोर पड़ रहा है, आप उसको बॉलिंग पे नहीं लेकर आ रहे, आप अपने आप से बॉलिंग करवा रहे कि मैं किसी तरह आ जाऊं, मैं यहां प्रूव कर दूं कि मैं दुनिया का नंबर वन बॉलर हूं, मैंने अपनी इंजरी को ज्यादा जल्दी आराम की और मैं आराम से, भैया पहले ही आके कुछ अपने आप का रफ्त उतारते थे, आप आईपीएल का मौका आपने रखा था अपना रफ्त उतारने के लिए, ऐसा वैसा रफ्त उतारा आज हैदराबाद ने कि आगे पीछे ऊपर नीचे की कसर आज हार्दिक पांड्या के उतार के हाथ में रख दी कि ये लो भाई साहब तुम्हारी कप्तानी, ये लो तुम्हारे डिसीजंस, ये लो तुम्हारी तुम्हारी सारी एग्जुबरेंस और ये लो तुम्हारी सारी एक्शन गिरी। यकीन मानिए कि लासन और मार्करम ने प्लान चेंज हुआ था सनराइजर्स का, उन्होंने स्लो खेला है बीच में क्योंकि 30 गेंदों पे 70 की पार्टनरशिप कर सकते थे, जो उनके 50 की पार्टनरशिप हुई है वो 30 बॉलों पे हुई है, वो स्लो खेले, प्रिकॉशन लिए, उनका प्लान चेंज हुआ कि यार अब ऐसा ना हो कि हम 230 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, अब कम से कम 250 तो पार लगाओ फिर देख लेंगे। और लानत भेजता हूं भाई हार्दिक पांड्या पे, जिस विकेट पे हर बच्चा आके 150 का स्ट्राइक रेट मैनेज कर रहा है, कम से कम ये आया बैटिंग में, इसकी टीम तिलक वर्मा ने मैच इसको गोद में दिया, इस लांती ने फिर हरवा दिया। अबे फिर पांड्या को भी, मतलब वो रोहित शर्मा को भी घुन लगा रहा है, अबे घुन लगा रहा है, दीमक लगा रहा है वो, मतलब किस बात का प्रेशर, तुम क्या चाहते हो कि बुमराह हर दफा तुम्हें 5 विकेट लेके जाए, मैं टॉस जीता था मारता पकड़ के, तुझे नहीं पता था ये बैटिंग पैराडाइज है, यहां पर छक्के लाना है तेरे ऊपर ऐसी की तैसी यार, इतनी बड़ी बैटिंग लाइक टीम डेविड तू भी है, वो तू भी है, तिलक तू भी है, निंदर तू भी है, रोहित तू भी है, पांड्या खुद तू भी है, फिर उसके बाद जिसको तुम बता पांड्या जी सोचता क्या, ये बाउचर के साथ मिलके आखिर क्या बर्बादी का सबब बन रहा है, मुंबई इंडियन कमाल हो गया, इतनी बड़ी बैटिंग लेकर तुम टॉस जीत कर बैटिंग पैराडाइज में 278 अभिषेक शर्मा ने, तवक्को हमें भी नहीं थी कि यार जो छक्के अभिषेक शर्मा मार कर रहा है कमाल हो गया, जो रोहित से टकराएगा रोहित के खिलाफ जो भी जाएगा वो दुनिया में जलील होगा और हैदराबाद में चप्पलों की पिटाई होगी उसकी। और ये तान रोहित शर्मा जिस टीम में जो 5 टाइटल जिता चुका उसको जिल्लत तुम ये पांड्या से दिलवाओगे तुम, यहाँ तक अभी लग रहा है 5 ओवर में भाई कितना क्राउड है फिर से, मैं आपको बोल रहा हूँ ना,
हाईएस्ट स्कोर बन रहा है आज आईपीएल का इस साल। आज का रिएक्शन इस वीडियो के लिए, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट